मॉर्निंग स्टूडेंट, भारतीय पब्लिक स्कूल कक्षा दूसरी। आज हम करेंगे हिंदी में पुण्यार्थी असाइनमेंट 8 और 9। चलिए इसका पहला प्रश्न करते हैं हम। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का हम चिन्ह लगाएंगे। पहला है हमारा कमल के फूलों पर ऑप्शन हमें दिए हैं, यानी विकल्प हमें दिए गए हैं, चिड़िया चहक रही है, ऑब्लिक भौरे मंडरा रहे हैं। तो क्या आएगा, भौरे मंडरा रहे हैं, कमल के फूलों पर भौरे मंडरा रहे हैं। इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। आगे हैं, दिनेश और महेश दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि दोनों विकल्प हमारे गरीब थे या आलसी थे। दिनेश और महेश दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि वे दोनों गरीब थे। क्या थे? गरीब। आगे है, मम्मी खुशी खुशी डैश बनाने बैठ गई, क्या है, पूरी या दही बड़े? दही बड़े। तो आंसर है हमारा, उत्तर है दही बड़े, चार लगाएंगे। आगे है, गुरुजी ने अर्जुन को ही तीर चलाने को कहा क्योंकि अर्जुन केवल डैश देख रहा था। किसको, गुरुजी को या चिड़िया की आँख को? तो चिड़िया की आँख को देख रहा था, चार लगाएंगे, सही उत्तर है हमारा। है मेहनत का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है, ऐसा विश्वास था। मेहनत का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है, ऐसा विश्वास था। किसका, महेश का या दिनेश का? ऐसा विश्वास था महेश का, महेश का विश्वास था कि मेहनत का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। आगे है, माँ में किसका रूप नजर आता है? माँ में किसका रूप नजर आता है, भगवान का या दोस्त का? तो आएगा भगवान का, का भगवान का। आगे है, गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कारीगर से डैश बनवाई, तो क्या बनवाई थी, एक नकली चिड़िया या एक नकली मछली? तो गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कारीगर से एक नकली चिड़िया बनवाई थी। तो हमारा उत्तर है एक नकली चिड़िया, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। अगला है हमारा, गुरु द्रोणाचार्य डैश के राजकुमारों को धनुविद्या सिखा रहे थे, तो किसको धनुविद्या सिखा रहे थे, अवध की या हस्तिनापुर के राजकुमारों को? तो सिखाते हैं हस्तिनापुर के राजकुमारों को, निशान लगाएंगे सही का। अगला है हमारा, गोविंदपुर गांव में कितने भाई रहते थे, कितने भाई रहते थे, दो या तीन? तो वो दो भाई थे, तो गोविंदपुर गाँव में रहते थे, निशान लगाएंगे। अगला है, सोचो डैश के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, तो धरती या बादल? आएगा बादल, सही उत्तर हमारा बादल। आगे है, सुबह होने पर चिड़िया अपने घोंसलों में चली जाती है या पेड़ों पर चहकने लगती है, क्या करती है? तो उत्तर हमारा पेड़ों पर चहकने लगती है। आगे है, गुरु द्रोणाचार्य डैश से बहुत प्रसन्न हुए, किससे, युधिष्ठिर से या अर्जुन से? तो वो अर्जुन से प्रसन्न हुए, तो निशान लगाएंगे अर्जुन पर। अगला है, आशु को कौन सा होमवर्क करने में मुश्किल आ रही थी, अंग्रेजी का या हिंदी का? आएगा हिंदी का, आशु को हिंदी का होमवर्क करने में मुश्किल आ रही थी, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा हिंदी का। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं, कमल के फूलों पर उत्तर है हमारा भौरे मंडरा रही है, निशान लगाएंगे। अगला है, दिनेश और महेश दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि दोनों गरीब थे या अमीर थे? तो उत्तर है गरीब थे, निशान लगाएंगे। अगला है, मम्मी खुशी खुशी डैश बनाने बैठ गई, पूरी या दही बड़े? तो दही बड़े, निशान लगाएंगे। आगे है, गुरुजी ने अर्जुन को ही तीर चलाने को कहा क्योंकि अर्जुन केवल डैश देख रहा था, क्या देख रहा था, गुरुजी को या चिड़िया की आँख को? तो चिड़िया की आँख को देख रहा था, निशान लगाएंगे। अगला है, मेहनत का फल मनुष्य को अवश्य मिलता, ऐसा विश्वास था, किसका, महेश का या दिनेश का? तो महेश का विश्वास था, निशान लगाएंगे। माँ में किसका रूप नजर आता है, हमारा विकल्प है भगवान का या दोस्त का? तो सही विकल्प है हमारा भगवान का, निशान लगाएंगे। आगे है, गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कारीगर से डैश बनवाई, एक नकली मछली की, एक नकली चिड़िया की, एक नकली मछली की? तो उत्तर हमारा एक नकली मछली की, निशान लगाएंगे।
गुरु द्रोणाचार्य डैश के राजकुमारों को दोनों इतिहास सिखा रहे थे, अवध के हस्तिनापुर के। तो निशान लगाएंगे हस्तिनापुर के। अगला है, गोविंदपुर गांव में कितने भाई रहते थे, दो या तीन? तो सही विकल्प हमारा दो, दो भाई रहते थे। निशान लगाएंगे, सोचो डैश के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, धरती या बादल? तो सही विकल्प है बादल। निशान लगाएंगे सही का। अगले, सुबह होने पर चिड़िया डैश अपने घोंसलों में चली जाती है या पेड़ों पर चहकने लगती है? तरह पेड़ों पर चहकने लगती है। निशान लगाएंगे। अगला हमारा, गुरु द्रोणाचार्य डैश से बहुत प्रसन्न हुए, युधिष्ठिर से या अर्जुन से? तो वो अर्जुन से प्रसन्न थे, युधिष्ठिर से नहीं। तो अर्जुन पर निशान लगाएंगे, ये अर्जुन से प्रसन्न थे। आगे आशु को कौन सा होमवर्क करने में मुश्किल आ रही थी, अंग्रेजी का या हिंदी का? तो हिंदी का हमारा सही विकल्प है, हिंदी का। निशान लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम, समान तुक वाले शब्द लिखे। समान तुक वाले हमने शब्द लिखे हैं, चलिए देखते हैं। खोलो धोलो, खोलो धोलो, जिनका समान हो, साउंड एक जैसा हो, एक जैसा ध्वनि होती है जिनकी। खोलो धोलो, सो खो, आया छाया, छाई लाई, फूले झूले, फूले झूले, मेरे तेरे, मन वन, मन वन, पोली बोली, पोली बोली, सोने बोने, सोने बोने, घड़ा खड़ा, घड़ा खड़ा। पर फिर से देखते हैं समाना तुक वाले शब्द, खोलो धोलो, खोलो धोलो, सो खो, आया छाया, छाई लाई, फूले झूले, मेरे तेरे, मन वन, मन वन, पोली भोली, पोली भोली, सोने बोने, घड़ा खड़ा, घड़ा खड़ा। धन्यवाद।